नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि बेस्ड हैं सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अ कैरियर सिग्नल ऑफ 5 cos 2π × 10⁻⁶ इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल ऑफ 2 cos 6π × 10⁻³⁰ विद म्यू इज इक्वल टू 0.5। इफ एंटीना रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 10 ओम, फाइंड AM bandwidth, carrier power, total power, sideband power, efficiency and plot frequency spectrum। तो आप कह सकते हैं इसमें सारे पैरामीटर्स पूछ लिए गए हैं जो AM में हमें निकालने होते हैं। तो कैरियर सिग्नल हमें दिया हुआ है और मैसेज सिग्नल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उन्हें ही आपको लिखना है। तो गिवन जो हमें दैट इज CT, कैरियर सिग्नल को हम CT से रिप्रेजेंट करते हैं। CT इज इक्वल टू 5 cos 2π × 10⁻⁶, ये दिया हुआ है। इसमें से ही फर्दर हम पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। CT है तो ये जो टर्म होगा वो होगा AC, तो AC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। और यहाँ से FC आपको निकालना है, तो FC क्या होगा, FC इज इक्वल टू, बिकॉज ये है 2π FCT, तो ये FC हो गया 10⁶ हर्ट्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1000 किलोवाट्स। लिख सकते हैं किलो का मतलब 10³ हो गया और 30 मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, तो टोटल 60 हो जाएंगे। उसके बाद MT इज इक्वल टू, मैं दिया हुआ है 2 cos 6π × 10³⁰। इसी तरीके से यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये होगा जो एम्पलीट्यूड होगा मैसेज सिग्नल का, तो AM इज इक्वल टू 2 वोल्ट। देन फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है यहाँ पर FM, तो FM अब आप यहाँ पे देखना है तो इस जगह पर 6π दिया हुआ है और वैसे फॉर्मूले में क्या होता है 2π, तो हमें क्या करना होगा, इस टर्म को बेसिकली इक्वल करना होगा 2π FM के बराबर। तो 2π FM आप कह सकते हैं 2π FM इज इक्वल टू 6π × 10⁻³। तो FM क्या हो जाएगा, 6π × 10⁻³ अपॉन 2π, तो 2π से काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 3 किलोवाट्स, तो FM इज इक्वल टू 3 किलोवाट्स, इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू गिवन है 0.5 एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंटीना रेजिस्टेंस 10 ओम, ये हो गया। अब आपको पैरामीटर्स निकालने हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर निकालना है AM बैंडविड्थ। तो AM बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM, और एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम। यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी सिर्फ FM हमें दिया हुआ है, तो 2 × 3 kHz विच कम्स टू 6 kHz, तो 6 kHz इसका बैंडविड्थ हो गया। दूसरा पैरामीटर पूछा हमसे कैरियर पावर PC, कैरियर पावर PC, तो PC इज इक्वल टू क्या होता है, AC² / 2R। ये हमने जब स्पेक्ट्रम बनाए थे वहाँ पर ये निकाला था किस तरीके से आता है, तो AC इज गिवन 5 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 × R इज गिवन 10, 25/20 इच कम्स टू 1.25 वाट। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पैरामीटर हम निकाल लेते हैं, टोटल पावर। टोटल पावर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, PT इज इक्वल टू, काफ़ी टाइम से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, PC 1 + μ² / 2, एकदम याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, PT इज इक्वल टू PC 1 + μ² / 2। PC हम निकाल चुके हैं 1.25, 1 + μ आपको दिया हुआ है 0.5² / 2, विच इज इक्वल टू +0.25/2, विच कम्स टू, अब sideband पावर निकालना है हमें, sideband पावर, टोटल पावर निकाल चुके हैं, इसके बाद हमें sideband पावर निकालना है। तो sideband पावर आप निकाल सकते हैं आसानी से, बिकॉज आपको टोटल पावर दिया हुआ है, कैरियर पावर दिया हुआ है,
फोर्थ पैरामीटर हमें निकालना है साइड बैंड पावर। तो पी टी इज इक्वल टू आप जानते हैं पी सी प्लस पी एस भी होता है। टोटल पावर कितना होता है, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। तो पी एस बी अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो क्या आएगा, पी एस बी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी सी। तो पी टी आपने निकाला था, पी टी भी आपने निकाला है 1.41 माइनस पी सी, पी सी आपने निकाला था 1.25। तो ये आएगा 0.156 वाट, और आई कैन से 156 मिलीवाट, मिलीवाट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो यूएसबी और उसकी पावर भी अलग अलग लिखनी है, तो वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि पी एस पी यूएसबी इज इक्वल टू क्या होता है, पी एलएसबी, और इन दोनों को मिलाने पर साइड बैंड पावर मिलती है, बनती है जो है पी एस बी है बेसिकली, दैट इज द जो पी एस बी अभी हमने निकाला है। तो ये दोनों का सम है पी यू एस बी प्लस पी एल एस बी। तो आपको अगर इंडिविजुअल निकालना है पी यू एस बी पी एल एस बी दोनों बराबर होते हैं तो क्या करना होगा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा टू से। तो 156 डिवाइड बाई टू विच कम्स टू 78 मिलीवाट, इसे मिलीवाट में लिख दीजिए, 156 मिलीवाट था उसे 2 से डिवाइड किया तो 78 मिलीवाट। तो ये साइड बैंड पावर निकल आई, और इंडिविजुअल अपर साइड बैंड के लिए बात करते हैं या लोअर साइड बैंड के लिए बात करते हैं तो उसके लिए पावर आ गई। उसके बाद हमें निकालना है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू जो है 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.5 स्क्वायर विच कम्स टू 0.11। तो अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स कम्स टू 11%। तो जो एफिशिएंसी है वो भी आ गई 11%। इसके बाद हमें प्लॉट करना है, इसमें लास्ट टर्म इसमें बचा है, एफिशिएंसी निकाल दी, देन प्लॉट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है उसका आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि जो एएम के केस में हम स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट करते थे। तो सबसे पहले आपने यहाँ जीरो मार्क किया, तो पहले आप एफसी मार्क करते हैं देन माइनस एफसी, ये जो स्पेक्ट्रम है स्टैंडर्ड उसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, देन ही उसके बाद ही आप प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो एफसी होता है, उसके बाद हम करते थे एफसी प्लस एफएम और एफ सी माइनस एफ एम, ये होता था। यहाँ माइनस एफ सी है तो इधर माइनस एफ सी प्लस एफ एम, और इस साइड में माइनस एफ सी माइनस एफ एम, इस जगह आपको प्लॉट कर देना है। तो एफ सी हमने प्लॉट कर दिया इस तरीके से, जगह इम्पल्स आया करता है जिसकी वैल्यू होती है ए सी बाई। तो विच इज इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। एफ सी 1000 किलोहर्ट्ज़, एफ सी प्लस एफ एम 3 किलोहर्ट्ज़, तो जो एफ सी है वो आपने निकाला था क्वेश्चन में, एफ सी दिया हुआ था, एफ सी 10^6, तो 1000 किलोवाट्स हो गया। देन एफ एम आपने निकाला था, एफ एम 3 किलोवाट्स, तो एफ सी प्लस एफ एम करेंगे तो 1000 + 3 1003 हो गया, एफ सी माइनस एफ एम करेंगे तो 997 किलोवाट्स हो गया। यहाँ से आप बैंड विड्थ भी देख सकते हैं, बेसिकली बैंडविड्थ क्या होती है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अपर फ्रीक्वेंसी है
1003 और लोअर फ्रीक्वेंसी है 997। तो यहाँ पर इस केस में जो बैंड विड्थ होगी, इसकी ये बैंड विड्थ होगी विच इज इक्वल टू कितना होगा 6 किलोहर्ट्ज। वही हमने निकाला था बैंड विड्थ जो निकाला था 6 किलोहर्ट्ज निकाला था। तो ये स्पेक्ट्रम से आप क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको इसके इम्पल्सेस आते हैं उन्हें प्लॉट करना होगा। इसकी वैल्यू होती है ए सी म्यू बाई 4 इज इक्वल टू 0.625। ये सभी के लिए एम्पलीट्यूड सेम होगा सारे इम्पल्सेस के लिए। तो ये लोअर साइड बैंड्स हैं और ये अपर साइड बैंड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर साइड बैंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली लोअर से हम LSB कहते हैं, लेकिन 997 और -997 ये पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव साइड में। सिमिलरली ये अपर साइड बैंड है USB, आप देख रहे हैं 1003 पर है और ये भी USB है, ये 1003 पर है, ये USB और ये भी USB, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। जब बैंड विड्थ हम निकालते हैं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, नेगेटिव से नहीं निकालते हैं। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आसानी से आप स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं और बाकी सिंगल टोन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।